मतलब जैसे कि तुम्हारे जगह पे कोई ना कोई आ ही जाएगा फिर उसमें, फिर ऐसा नहीं कि नहीं आएगा, लेकिन ये 10 दिन 15 दिन 20 दिन अपने आप को हम स्टेबल नहीं कर पाएंगे आपके साथ की, मतलब हमेशा ऐसा लगेगा कि यार यहाँ पर ये बैठता था, यहाँ पर रोहित कुमार 472 नंबर है 500 में, सेकंड है पवन कुमार 500 में 468 नंबर, थर्ड है रविशंकर कुमार 500 में 452 नंबर, और फोर्थ है 500 में 449 नंबर, क्या नाम है अर्जुन कुमार। आपका थर्ड प्राइज और ये आपके लिए मेरे तरफ से प्रोत्साहन, ठीक है। इन लोगों का एक अच्छा सा कवर अप फोटो मेरे साथ ले लीजिएगा, ये भी फोटो रहेगा फ्रेमिंग में, ठीक है। ये सारे बच्चे हैं हमारे कोचिंग के भविष्य है, आज से भी ऐसा नहीं, अच्छाई बुरा नहीं याद रखना है कि हम कितने अच्छे थे या कितने बुरे थे, आपके साथ जो बिहेव हुआ, जो मिसबिहेव हुआ, साल भर में चाहे जो पढ़े लिखे उससे कोई मतलब नहीं आपको। अब मेरा बस यही शुभकामना होगा आप लोगों के साथ कि आपका बोर्ड एग्जाम किसी भी तरीके से बेस्ट हो जाए, बहुत अच्छा जाए आपका बोर्ड एग्जाम, ताकि कल को मैं गर्व के साथ कह सकूं कि ये मेरा पढ़ाया हुआ स्टूडेंट, ठीक है। सारे बच्चे या फिर किसी कारण बस उसका रिजल्ट अच्छा नहीं आया, अच्छा होने के बावजूद भी रिजल्ट अच्छा नहीं आ पाया तो वो अलग सी बात है, लेकिन आपको प्रयास तब तक करना है जब तक यह पूरा बिहेव किया हो, तो बात है, लेकिन तुम्हारी एक कमी हमेशा हमको खलती रहेगी। मैं कभी भी मतलब जैसे कि तुम्हारे जगह पे कोई ना कोई आ ही जाएगा फिर उसमें, फिर ऐसा नहीं कि नहीं आएगा, लेकिन ये 10 दिन 15 दिन 20 दिन अपने आप को हम स्टेबल नहीं कर पाएंगे आपके साथ की, मतलब हमेशा ऐसा लगेगा कि यार यहाँ पर ये बैठता था, यहाँ पर ये बैठता था, वो ऐसे बोलता था, सर थोड़ा सा हंसी मजाक ये बहुत बोलता था, वो सब बहुत मतलब मिस करता है आदमी, अपने आप को स्टेबल नहीं कर पाता है 10-15 दिन तक। वैसे ही बता रहा हूँ आप लोग, ऐसा मजाक लग रहा कि कोई टीचर अगर किसी को रोना आ जाता है या इसके गले से आवाज़ नहीं निकलता है तो वो आपको लग रहा हो कि वो उसका एक्टिंग करना है, लेकिन ऐसा रियली नहीं है, हकीकत में वो होता है, मिसिंग बिहेव होता है, इतना मिस करने लगते हैं ना, क्या बताऊं कि बहुत तकलीफ होता उस समय, जब आपके साथ जिस दिन होगा कभी तो आपको पता चलेगा कि क्या होता है। बस आपसे जाते जाते यही कहूँगा कि जिंदगी के जिस मोड़ पर भी जाए रहें आप, एक बार किसी न किसी तरीके से मैं आपके जहन में आ ही जाऊँगा, आपके सफलता में मेरा थोड़ा बहुत जो भी हाथ है, आप बचपन से लेकर आज तक पढ़ते आ रहे हैं, क्लास 10 तक पढ़े हैं, 11 पढ़े हैं, आप 12 पढ़िएगा, 12 पास होने के बाद ग्रेजुएशन में जाइएगा, उस सफलता के श्रेणी में मेरा छोटा सा जो आपके साथ मतलब साथ था बस यहीं तक का था, और इसमें मैं क्या बोले जा रहा हूँ मुझे खुद नहीं पता कि मैं क्या बोल रहा हूँ क्या समझा रहा हूँ, ये हमको अभी खुद नहीं पता चल रहा है, वो जब रूम पर जाऊँगा जब सोचूंगा कि क्या क्या बोल कर क्या सब पता चलेगा, ठीक है। तो समझ नहीं आ रहा है, छोटे का तो मन नहीं कर रहा कि मतलब चले जाओ, ये बोलना भी हमको उचित नहीं लग रहा कि अब चले जाओ आज के बाद मत आना कभी, ठीक ना सर, हमने एक साइड सुना है इसी बात से। आप जरूर भाई, वक्त नूर को एक छोटी सी जख्म नसूर बना देता है, क्या बात है, कौन चाहता है अपनों से जुदा होना पर वक्त सबको मजबूर बना रहा है। अपने आप को इतना मोटिवेटेड रखना है, और आपको दुनिया का कोई इंसान मोटिवेट नहीं कर सकता जब तक कि आप सेल्फ मोटिवेटेड ना हो जाओ, एक बात हमेशा याद रखना, आपको खुद में अपने आप में मोटिवेट होकर के रहना हमेशा कि हमको ये अचीव करना है, ये करना है तो करना है, और वो कैसे करना है वो सिर्फ आप जानते हैं और कोई नहीं जानता, हम तो सिर्फ आपको गाइडलाइन दे सकते हैं, बाकी इस पर चलना और ना चलना वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो इसके बाद तो खैर हम लोग सिर्फ कभी ना कभी है, और कोई कुछ बोलना चाहेंगे इस तरह से, बोलना चाहेंगे किसी को कुछ बोलना है, मैं जब यहाँ आई तो मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा था उतना, मतलब मैथ में मतलब मैं फाउंडेशन में तो सिर्फ फंक्शन है, यहाँ मैं क्रेस कोर्स में जब आई तो मतलब सर से एक सप्ताह पढ़ने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मुझे पहले ही आना चाहिए, क्योंकि हम में कुछ कमी थी, हम टीचर का दोस्त कहीं नहीं देते हैं, और जहाँ भी पढ़े थे उस टीचर का भी दोस्त नहीं देते हैं, क्योंकि कमी हम ही थे, जब यहाँ है तो उस कमी को मतलब एक ही कमी को मेरे माननीय दिले सर उनको पूरा कर दिए,
ਜਿਹੜੇ ਚੱਲਦੇ ਸੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਨਾ ਚੱਲਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਅੰਗਲਾਂ ਮੁੰਡੇ।